कैसे हैं आप लोग? हम और आप आजकल लॉकडाउन के कारण घर में ही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है, तो हम सभी किस तरह अपने आप को सुरक्षित रख सके, तो मैं आज आप लोगों के सामने एक मास्क लेकर के आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक कॉटन का कपड़ा ली हूँ। इस कॉटन के कपड़े से ही आज मैं मास्क बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये कॉटन के कपड़े को मैं ऐसे फोल्ड कर दी हूँ। मैंने उसे एक बार फोल्ड करके सेंटर निकाला है, उसके बाद इसे फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है। और इसको फोल्ड करने के बाद ये मीटर से ये देखिए चौड़ाई में मुझे 5 इंच लेना है और ये लंबाई में भी मुझे 5 इंच लेना है। ये देखिए, और इस 5 इंच सेंटर से भी मुझे ये जो फोल्ड वाला भाग है वहाँ से भी मुझे ये 5 इंच लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पहले से ही नाप करके रखा है। ये आपको मैं यहाँ बता रही थी इसका मेजरमेंट, तो ये 5-5 इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इसको कैंची से कट कर देना है। ये पूरे गोलाई में आ जाएंगे। ये देखिए हमारा ये पूरा सेप आ जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 5 इंच, 5 इंच, ये रहा 5 इंच। ये पूरे में यूं करके हमने गोलाई करके काट लिए हैं। ये देखिए इस तरह का हमारा कट गया। अब मैं इसको पूरा खोल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा हमारा गोलाई बन गया। अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो देख लीजिए, अगेन जिस तरह पहले था उस तरह मुझे करना पड़ेगा। और इसको कैंची से ठीक से ऐसे रख के इसको ऐसे काट देना है और इधर से भी मुझे कट कर देना है। ये देखिए, अब देखिए ये मैंने कट कर लिए हैं। कट करने के बाद मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा ये पहले कपड़ा इस तरह का था। ये देखिए हमारा पहले कपड़ा ये इस तरह का था। अब हमारा कपड़ा इस तरह का हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे उल्टे साइड से इधर से सिलाई और इधर से सिलाई, इधर से सिलाई, ये पूरा मैं सिलाई करूंगी। ये देखिए मैंने उसको ऐसे सिल लिए हैं दोनों पार्ट को। ये देखिए मैंने ये दोनों पार्ट में ऐसे सिल लिए हैं। और सिलने के बाद मैंने इसको ऐसे करके पलटी कर दिया है। ये देखिए मैंने इसको यूं पलटी कर दिया है। उसके बाद एक को पलटी किया है और एक को पलटी नहीं किया है, तो ये ऐसे इसके ऊपर डाल देना है और इसको ऐसे मिला देना है बराबर, और इसके ऊपर से यूं सिलाई कर देना है। ये देखिए फिर मैं इसको पलटी करके और इसको बराबर करके
ऐसे सिल रही हूँ। ये देखिए हमारा ये सिलाई हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे पूरा सिलाई कर लिया है, और यहाँ थोड़ा इधर से और थोड़ा इधर से मैंने सिलाई को छोड़ा है ताकि मैं इसे पलट सकूँ। आप देखिए इसको उल्टा कर देंगे, यानी ये सामने वाला मेरा उल्टा है, इसको मैं ऐसे करके पलट दूंगी ताकि अंदर वाला जो सीधा है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए दोस्तों ये हमारा मास्क बन गया। अब इसमें इसके लिए मुझे ये कॉर्नर में इलास्टिक डालने हैं, तो ये मैंने पहले ही 7 इंच का काट के रखा हुआ है। अब इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है और इसके अंदर मुझे ये डाल देना है और ऊपर से मशीन चला देना है। उसके बाद अगर दोस्तों आपके पास इलास्टिक नहीं है, अभी लॉकडाउन के कारण पूरा दुकान भी बंद है, तो आप इसमें वो कपड़े का वो डोरी भी बांध सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए अब मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी। ये मेरा दोनों साइड का मैंने इसको सिल लिया है, अभी मैं इसमें इलास्टिक डाल दूंगी। ये देखिए मैंने इसे इसके अंदर इलास्टिक डाल दिया है, और जो ये मैंने सिलाई किया है इलास्टिक में उसको मैं इस कपड़े के अंदर डाल दूंगी ताकि पता न चले कि यहाँ गांठ है। ये देखिए चला गया हमारा ये, और ये हमारा आज का मास्क बन के तैयार है। अब मास्क आपको कैसा लगा, और ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।